नमस्कार, कुकिंग विद द्विवेदी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज बिरयानी, वो भी कटहल की। बिरयानी का नाम सुनते ही इसके फ्लेवर्स और इसकी महक से मुंह में पानी आ जाता है। बिरयानी बेसिकली एक नॉन वेज डिश है, लेकिन जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, वेज बिरयानी उनके लिए एक बढ़िया विकल्प है। और खासतौर पर कटहल बिरयानी वेजिटेरियंस के लिए एक परफेक्ट डिश है। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं बनाना कटहल की वेज बिरयानी। कटहल की वेज बिरयानी बनाने के लिए हमें जो आवश्यक सामग्री चाहिए उसमें लगभग 1 किलो कटहल, 300 ग्राम बासमती राइस, 2 मीडियम साइज के प्याज, 15 से 16 लहसुन की कलियां, 3 मीडियम साइज के टमाटर, 1 नींबू, 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 हरी मिर्च, 100 ग्राम दही, कश्मीरी मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया, हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, खाने वाला ये लेमन कलर, और हमें कुछ साबुत मसाले चाहिए जो कि हम चावल उबालते वक्त उसमें डालेंगे। साबुत मसालों में जावित्री, चक्री, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी, हरी इलायची और 2-3 तेज पत्ते चाहिए। तेज पत्ते को छोड़ के हम बाकी सारे मसालों को बारीक कूट लेंगे। ये पूरा साबुत कटहल है, इसमें से लगभग हम 1 किलो कटहल लेने वाले हैं। हम कटहल की खासियत बता दें, हम जो कटहल ले रहे हैं ये बहुत ही छोटे कुए का है, इसका बिरयानी में बहुत ही अच्छा स्वाद और प्रेजेंटेशन होता है। हम इसमें से लगभग 1 किलो कटहल लेने जा रहे हैं। छीलने और सफाई करने के बाद लगभग इसमें से 1/2 किलो कटहल के कोए निकलेंगे। चावल को लगभग 45 मिनट में पानी में सोख करना है। समय बचाने के लिए मैंने पानी में पहले से ही सोख करके चावल रखे हुए थे। कटहल को हमने बारीक बारीक पीस में काट लिया है। इसका जो फ्लैशी पार्ट होता है जिसको कोया कहते हैं, हमने वो हिस्सा लिया है। रेशे वाला सारा पार्ट जिसको जोंजर कहते हैं वो हमने निकाल दिया है। प्याज को हमने फाइन चॉप कर लिया है। टमाटर को हमने बारीक पीस में काट लिया है। अदरक और लहसुन को हमने कद्दूकस कर लिया है। दही को फेंट लिया है। जितने भी साबुत गरम मसाले मैंने आपको दिखाए थे उनको हमने कूट लिया है। हरी मिर्चा को हमने चॉप कर लिया है। और 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स दिखाना मैं आपको भूल गया था, पुदीना और धनिया, इनके ही पत्तों को हमने काट लिया है। सबसे पहले कटहल के पीसेस को फ्राई कर इसको ऑन करते हैं। इसमें हमें कटहल को फ्राई करना है। रिफाइंड को गरम करते हैं। रिफाइंड हमारा गरम हो गया है, हम इसमें कटहल डाल देंगे। कटहल को हमें मीडियम आंच पे फ्राई करना है। इसमें थोड़े बहुत रेशे आ जाएंगे, उसके भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब हम कटहल को निकाल लेते हैं। अब कटहल का दूसरा लॉट फ्राई कर लेते हैं। कटहल हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है, हमें इसको गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करना है। कटहल के कोए के अंदर की गुठलियाँ हमने नहीं निकाली हैं। अगर हम इसे निकाल देंगे तो ये कोए खाली खाली हो जाएंगे, तो इनका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं होगा। गुठलियाँ आप खाते वक्त निकाल सकते हैं और चाहें तो उसको छील के खा भी सकते हैं। कटहल हमारा फ्राई हो गया है, गैस को हम बंद कर देंगे। दूसरा लॉट भी हमारा तैयार है, इसको भी निकाल लेते हैं। कटहल हमारा पूरी तरह फ्राई हो गया है, इसको अब हम एक तरफ रख देते हैं। अब हम अपने चावलों को पकाने के लिए भगोने को गैस पे रखते हैं, गैस ऑन करते हैं और इसमें लगभग 1.5 लीटर पानी गर्म होने के लिए डालते हैं। हमने जितने भी साबुत मसाले लिए थे उनको बारीक कूट लिया है, इसको हम पानी में डाल देते हैं। इसमें लगभग 1 चम्मच नमक डाल देते हैं।
ज़्यादा नमक इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि थोड़ा नमक हमारा कटहल में भी जा रहा है। हरी मिर्चा डाल देते हैं और पानी को गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक इसमें उबाल नहीं आता हमें इंतज़ार करना होगा। आइए देखते हैं हमारा पानी उबला कि नहीं। पानी हमारा उबल गया है। अब हम इसमें डालते हैं अपने भीगे हुए चावल। आप देख रहे होंगे हमारे पानी का कलर चेंज हो गया है। इसमें सारे मसालों ने अपना कलर और फ्लेवर दोनों छोड़ दिया है। इसका बहुत ही अच्छा स्वाद बिरयानी में आएगा। हमें चावलों को पकने के लिए ढक देते हैं। हम इसको पूरा नहीं ढकेंगे, नहीं तो उबाल आएगा तो वो बाहर गिरेगा। इसमें लगभग 1.5 चम्मच हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे जिससे चावल हमारे खिले पकेंगे। आइए देखते हैं हमारे चावल पके कि नहीं। हमें इनको पूरा नहीं पकाना है, सिर्फ 80% पकाना है। चावल लगभग 80% हमारे पक चुके हैं क्योंकि 20% अभी हम जब चावलों को कटहल के साथ दम देंगे तो ये बाकी के 20% भी तब पक जाएंगे। हम गैस को बंद करते हैं और चावलों को छान लेते हैं। चावल देखिए हमारे बहुत ही बड़े बड़े पक गए हैं, काफ़ी लंबा साइज है। देखिए हमारा चावल कितने अच्छे पके हैं। क्योंकि हमने चावल 45 मिनट तक पानी में सोख करे थे तो ये बहुत ही खिले खिले बहुत ही बड़े बने हैं। इसी बचे हुए तेल में हम अपना प्याज फ्राई करेंगे। तेल थोड़ा ज़्यादा है तो हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम प्याज फ्राई करते हैं। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करना है। प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं जिसको हमने पहले कद्दूकस कर लिया था। थोड़ी सी हरी मिर्च हम प्याज में डालते हैं और इधर प्याज भी हमारा पूरी तरह फ्राई हो गया है। ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें टमाटर ऐड करते हैं। जब तक हमारा टमाटर फ्राई हो रहा है तब तक इसमें सारे मसाले डाल देंगे। हल्दी, धनिया, लाल मिर्च या कश्मीरी मिर्च पाउडर, गरम मसाला, तक टमाटर हमारा पूरी तरह गल नहीं जाता है इसे फ्राई करेंगे। हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट रह गया था तेज पत्ता, वो भी हम डाल देते हैं। लगभग 1 चम्मच इसमें नमक डालेंगे। अब इस वाली ग्रेवी में हम अपना धनिया और पुदीना डालते हैं। पुदीने का धनिया का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा धनिया हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। अब हम इसमें डालते हैं दही।
बहुत ही अच्छी ग्रेवी तैयार हो गई हमारी। अब हम इसमें अपने कटहल डाल देंगे, इससे कटहल में अंदर तक इसका फ्लेवर चला जाएगा सारे मसालों का। अब हम इसको ढक देते हैं और कटहल को गलने तक पकने देते हैं। देखते हैं हमारा कटहल अभी गला कि नहीं। अभी थोड़ा सा गलना बाकी है, इसे हम फिर से पकने देते हैं। आइए देखते हैं हमारा कटहल पका कि नहीं। कटहल हमारा बहुत अच्छा पक गया है। अब हम गैस को बंद करते हैं। अब हम अपनी कढ़ाई को एक तरफ रख देते हैं और एक कुकर लेंगे। चावल हमारे बहुत ही खिले खिले पके हैं। ये हमने चावल की एक लेयर लगा दी है। अगली लेयर हम कटहल की लगाएंगे। अब बाकी बचे हुए चावल की हम दूसरी तह लगा देंगे। अब हमने चावल की दूसरी तह लगा दी है। हमने एक पिंच खाने वाला लेमन कलर लिया था, इसको थोड़े से पानी में मिला दिया है और इसको हम सबसे ऊपर चावलों के ऊपर छिड़क देंगे, जिससे कुछ चावलों का कलर चेंज हो जाएगा। एक नींबू का रसा हमने निचोड़ लिया है, वो हम इसमें ऊपर से डाल देते हैं। नींबू का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम इसमें डालने जा रहे हैं अपना आखिरी इंग्रेडिएंट, देसी घी 2 चम्मच। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम कुकर को बंद करते हैं, गैस को ऑन करते हैं और अपनी बिरयानी में 4 से 5 मिनट का दम देते हैं। गैस को हम सिम और मीडियम के बीच में रखेंगे। एक विसल आने से पहले ही हम इसको बंद कर देंगे। हमारे कुकर में सीटी आने को हो रही है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और कुकर की गैस निकलने तक इसको ठंडा होने तक छोड़ देते हैं। आइए हम कुकर को खोलते हैं। इसकी गैस लगभग निकल चुकी है। देखते हैं हमारी बिरयानी कैसी बनी है। बहुत अच्छी महक आ रही है। अब बहुत ही अच्छी बिरयानी बनके तैयार हुई है। बहुत ही अच्छा बिरयानी का फ्लेवर, बासमती चावल की बहुत अच्छी महक। अब हम इसे धनिया से गार्निश कर देंगे।
और हमारी बिरयानी सर्व करने के लिए तैयार है। इसे आप खाएं, मेहमानों को खिलाएं, इस रेसिपी को ट्राई करें और अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी आगे की रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।